हेमा मालिनी एक ऐसी महिला का किरदार निभा है जिसे अंधी होने के बाद वेश्यावृत्ति में धकेल दिया जाता है। डॉक्टर डीडी सिन्हा कई विशिष्ट विशेषताओं से भारत के दूर दराज के ग्रामीण कस्बों में जाने और कमजोर लोगों का इलाज करने और संक्रमण को फैलाने से रोकने का आग्रह करते हैं। डॉक्टर पारस जो डोडो डीडी सिन्हा से प्रसिद्ध है वह जाने के लिए तैयार है। डॉक्टर पारस वह चाहते हैं इस बीमारी को रोकने के लिए स्थानीय लोगों के साथ काम करते और कमजोर लोगों का इलाज करते और इसे विभिन्न संगठनों में फैलाने से रोकने में सफल होते हैं। उसकी मुलाकात शहर की भाग्यता उपना लजावंती से होती है और दोनों एक दूसरे को आदर्शवादी देखने लगते हैं। पारस अपस लौटने और उससे शादी करने का वादा करता है। लड़कियों को उसकी वापसी का पूर्वाभास होता है। वैसे भी वह दोबारा स्थापित नहीं होता है। निवासी उसका अपमान करता है और उन्हें विवश कर पीटते हैं। उसकी पुष्टि चली जाती है। उसे पकड़ लिया जाता है और वेश्यावृत्ति में भेज दिया जाता है। तब तक एक दिन उसे एक अद्भुत सहयोगी मिल जाता है। कोई और नहीं डॉक्टर पारस जो अब तक डॉक्टर सिन्हा की बेटी सवादी प्राणली समर्थक मंजू से जुड़ा हुआ है और उसे लज्जू की दृष्टि वापस लेने में मदद करनी चाहिए। अनुरोध ये है कि क्या लज्जू उस आदमी की किसी भी मदद को स्वीकार करेगी जिसने उसे धोखा दिया है और वह वास्तव में अपने वर्तमान मुद्दे के लिए उत्तरदायी।